मैं माया सिंह बिस्ट निगम पार्षद वार्ड 78 से और साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन हूँ एमसीडी की। संगम विहार जो हमारा एरिया है वहाँ से मैं पार्षद हूँ। राजनीति के साथ साथ समाज को किस तरीके से समाज में अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, समाज में किस तरीके से हम हर धर्म और हर जाति के लोगों को साथ मिलजुल के चल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सोशल वर्क और राजनीति अगर दोनों कहीं भी सामंजस्य अगर हम बिठाना चाहते हैं तो भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। सफलता का मूल मंत्र डेडिकेशन, मेरी सच्ची लगन, ईमानदारी से काम करना, शॉर्टकट तरीका ना अपना कर ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ जो सिस्टम चल रहा है जिस तरीके से आपको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को अपना 100% देना। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है और तुकलक रोड 20 नंबर में मेरे फादर को चीफ जस्टिस के साथ ही रहते तो स्टाफ क्वार्टर वहाँ मिला हुआ था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में स्टाफ क्वार्टर्स मिला, वहीं पे भी गवर्नमेंट फ्लैट वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी एजुकेशन पुराने किले के पास एक एमसीडी का स्कूल था जो अब बंद हो गया, उस पर भी वहाँ पे हाई कोर्ट की ही जो भी कार्य शुरू हो गया वो एमसीडी स्कूल बंद कर दिया गया है। वहीं से मेरी 5वीं तक की शिक्षा मैंने वहाँ से ली। उसके बाद मेरी हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा पंडारा रोड से मैंने पास करी, पंडारा रोड से मैंने 10th और 12th की, और मेरी ग्रेजुएशन मैंने आईपी कॉलेज से की है। उसके बाद दोबारा ग्रेजुएशन की, मेरी सोशल वर्क फील्ड में थी तो मैंने इग्नू से करी है, मैंने BSW की है। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। पिताजी का नाम स्वर्गीय शेर सिंह डांगी और मेरी माताजी जो अभी है उनका नाम गंगा देवी है, श्रीमती गंगा देवी है। और हम 4 बहनें और 1 भाई हैं और जो मैं 3रे नंबर पे हूँ। 2 बहनें मेरी बड़ी हैं और 1 भाई 1 बहन छोटे हैं। मुझे सोशल कामों में बहुत दिलचस्पी थी और 6 क्लास में पढ़ती थी, हमारा जो सरकारी कंपाउंड था वहाँ पे क्या है सफाई वगैरह ढंग से नहीं होती थी तो कूड़ा पड़ा रहता था और मुझे क्या होता था लीडरशिप पता नहीं था तब कि मैं एक टाइम पे लीडर बनूंगी, बट लीडरशिप के गुण कहते हैं ना पहले से ही एक जीन्स में आ गए थे। तो वो सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना और सफाई करवाना, तो सारे लोग जो बच्चे जिन बच्चों को अपने घर से झाड़ू लेके आओ, पोछा लेके आओ, डस्टबिन लेके आओ, तो सबको इकट्ठा कर लेती थी। उसके बाद क्या होता था उनके पेरेंट्स जो होते थे वो मेरे घर पे जाके मेरी मम्मी के पास शिकायत करते थे, आपकी बेटी खुद तो जमादार बन जाती है और हमारे बच्चों को भी जमादार बना देती है। तो घर में डांट भी पड़ती थी लेकिन फिर पापा मेरे सपोर्ट करते थे, कहते तुम में से कोई तो सफाई करने गया, बच्चों ने कितना अच्छा साफ किया, जाके नीचे जाके देखो। तब अच्छा लगता था, हमने अच्छा काम किया तो दोबारा करूँगी, कोई बात नहीं, कोई डांटता है तो डांटने दो। एक बार का किस्सा ज़रूर आपको बताऊँगी। हम लोगों के वहाँ पे नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे तो लाइट चली गई तो हम लोग साइकिल उठा के हमारे कोच ने कहा इंडिया गेट का एक राउंड लगा के आओ, तो शॉर्ट्स में होते थे, मैं घर से कपड़े लेके जाती थी वहीं चेंज करती थी कि ताकि मम्मी को पता ना चले। तो हम शाम को मम्मी घूमने जाती थी अपनी 2-4 सहेलियों के साथ, हम साइकिलिंग करते हुए पहुँचे। उस दिन उन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, कहती है कच्छा पहन के वहाँ पे खेलती है लड़कों के साथ। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, लेकिन तब मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है जब खेलने जाएगी तो सूट पहन के तो खेल नहीं सकती, जब खेलती है अच्छा है, नाम अच्छा रोशन कर रही है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। मेरे कोच ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी शादी 98 में हुई, मेरे हस्बैंड का नाम जीत सिंह बिस्ट है, उनकी डेथ हो चुकी है, 1.5 साल हो गया उनकी डेथ को, द हिंदू में जॉब करते थे। और मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे दोस्त थे तो हमारी अरेंज मैरिज ही हुई थी। और हमारी एक बेटी है अमोलिका जो अभी BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। बाकी फैमिली में मेरी सासू माँ हैं, हम 3 ही प्राणी हैं अब बचे हुए,
तो दोनों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है अभी फ़िलहाल। मैं ही सारा घर अपने दम पे अपने हिसाब से जितना कर सकती हूँ अपने हिसाब से खुद ही करती हूँ। देखिए, मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, किसी को सताओ नहीं, सबका अच्छा करो, किसी बड़ों का सम्मान करो, अच्छी शिक्षा लो, समाज में अपना नाम करो। यही शिक्षा जो नॉर्मली हर परिवार देता है, ऐसी शिक्षा मुझे भी मिली है। एक मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक माँ होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई है। और कहाँ किस सिचुएशन में किन हालात में हमें कैसे उन सिचुएशन का डट के मुकाबला करना है, ससुराल में जाके कैसे अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करना है, और किस तरीके से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अपने स्वभाव को भी ढालना है और अपने आप को भी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, ये सारी चीज़ें मेरी माताजी से हम लोगों को सीखने को मिली है। राजनीतिक करियर की शुरुआत मैं दोबारा सोशल वर्क से जुड़ी, मैंने BSW किया, तो मेरी इंटर्नशिप के लिए मैं प्रयास NGO से जुड़ी। 6 महीने मैंने प्रयास के साथ काम किया। इसी पीरियड्स में जब मैं फील्ड में जब लोगों की मदद के लिए, कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं हमारे पास आती थी, पेंशन नहीं लगी, या फिर कुछ विडोज महिलाओं को के उन लोगों की कैसे मदद करनी है, उनकी पेंशन लगानी है, सरकारी सुविधाएं उन लोगों को क्या मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती, ये सिलसिला चलता था। उनके फॉर्म्स भरते थे, उसके बाद उन फॉर्म्स को हम एरिया के जो निगम पार्षद या विधायक होते थे, MPs होते थे, उनके पास जाते थे उनकी हेल्प कराने के लिए। जब मैं जिस डेडिकेशन के लिए डेडिकेशन के साथ काम करती थी, तो सामने बैठा जो राजनीतिज्ञ था उसे लगता था कि भाई इसमें काबिलियत है, ये इस एरिया में रहती है। तो वहाँ के जो लोकल निगम पार्षद थे, अनिल गोयल जी और लीला बिष्ट जी, हमारे उत्तराखंड से ही थी, तो उन लोगों ने मुझे भाजपा से जोड़ा। मेरे चाचा जी भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा माइंडेड थे। परिवार में जिस तरीके से हर बार इलेक्शन होता था या कोई MP हमारे एरिया में आता था या फिर हम भाजपा क्या काम कर रहे हैं, तो परिवार में डिस्कशन होता रहता था। और राजनीति में अगर मेरे को किसी ने सपोर्ट दिया तो मेरे चाचा जी ने दिया। उन्होंने जिस तरीके से मैंने भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद वो जगह टाइम टाइम पे उनको बहुत अच्छे से सभी लोग जानते थे। साहिब सिंह वर्मा जी भी उनको बहुत अच्छे से जानते थे, और जब उनका काम को हम देखते थे ना, बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। अब ये लगता था कि जैसे होता ना बच्चे के मन में लगता है लाइफ में आगे जाके मैं क्या करूँगी या क्या बनूँगा, तो वो लगता था अगर राजनीति में गए तो साहिब सिंह वर्मा जी जैसा ज़रूर बनूंगी, कि भाई मुझे भी ऐसे लोगों के लिए काम करना बहुत अच्छा करना है, गलत चीज़ों के लिए विरोध करना है, दबंग तरीके से विरोध करना है। तो इसलिए भाजपा ज्वाइन करा और खुश होके किया, और एक शौक के तौर पे, लोगों की मदद के तौर पे भाजपा ज्वाइन करी थी। तो भाजपा ज्वाइन कर ली, सबसे पहले महिला मोर्चा की मंडल की मैं महामंत्री बनी। तो अच्छा काम किया, ऐसे करते करते मुझे फिर पद मेरे बढ़ते गए। उत्तराखंड प्रकोष्ठ था हमारा दिल्ली प्रदेश में, उसकी मैं उपाध्यक्ष बनी। महिला मोर्चा जिले में मैं महिला मोर्चा की मंत्री बनी। ऐसे काम करते करते मुझे 10-15 साल हुए, मैं फिर महिला मोर्चा की प्रॉपर जिला अध्यक्ष बनी, और 3 बार मैं जिला अध्यक्ष रही। 3 जिलाध्यक्षों के साथ मैंने महिला मोर्चा चलाया, और बाकायदा मतलब भाजपा के साथ जुड़ने से मुझे लगा कि भाई अगर हम समाज सेवा में हैं, अगर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं सरकारी योजनाओं का राजनीतिक तौर पर, तो हमें राजनीति में ज़रूर इंटरफेयर करना चाहिए। और राजनीति में हम घर बैठ के राजनीति से जुड़े लोगों को गाली देने की बजाय अगर हम खुद इंटरफेयर करें और लोगों तक उनकी मदद पहुँचाना चलें, तो हम लोग चाहें तो बहुत अच्छा राजनीति को कर सकते हैं, और राजनीति से जुड़े हुए गलत लोगों को भी सुधारने का काम कर सकते हैं। देखिए, BJP पार्टी ही क्यों चुनी, जैसे हम लोग, मैं राजपूत परिवार से हूँ। बेसिकली हमारे जो परिवार के मेरे चाचा राजनीति में बहुत एक्टिव रहते थे, वो भाजपा को सपोर्ट करते थे। हमने जब से देखा संघ की विचारधारा से हम लोग प्रेरित हुए कि हमारे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से हम राजनीति के साथ साथ समाज को किस तरीके से समाज में अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, समाज में किस तरीके से हम हर धर्म और हर जाति के लोगों को साथ मिलजुल के चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल वर्क
और राजनीति अगर दोनों कहीं भी सामंजस्य अगर हम बिठाना चाहते हैं तो भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, जहाँ पे रहकर हम एक हिंदू के लिए भी काम कर सकते हैं, हम मुसलमान के लिए भी काम कर सकते हैं, हम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजबूर के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब मेरी टिकट हुई तो मेरी माता जी बहुत रोई थी, खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे, कहते थे मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी, मुझे कहते थे तू पगली है, मुझे कहते थे तू पागल हो जाती है भाजपा के चक्कर में, तो कहते आज मतलब खुशी के आंसू थे वो, मतलब बहुत लगता था आज मैंने शायद कुछ हासिल किया, क्योंकि 20 साल में मैंने भाजपा को दिया था एज अ कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं संगठन में काम करते करते मुझे भाजपा ने, जब पिछले 2017 का इलेक्शन हुआ तो सभी पार्षद की टिकट चेंज करी उन्होंने, से भाजपा ने सोचा इस बार से संगठन से जुड़े लोगों को और जो बेसिकली सोशल वर्क से जुड़े हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे 50% ऐसे पार्षद हैं जो सिर्फ समाज के लिए और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे, उन लोगों को पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ाया। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि भाई मेरी टिकट के नॉमिनेशन के सिर्फ 3 घंटे बचे थे, लास्ट दिन था, 3 घंटे बाद नॉमिनेशन भी बंद हो जाता, 3 घंटे पहले मेरी टिकट हुई थी, मेरे साथ हमारे इधर से कोई वरुण भाटी जी हैं, वो बेसिकली गुजर हैं, उनकी वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और संगठन चाहता था कि कार्यकर्ता लड़े, तो उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। और मैं धन्यवाद करूँगी डॉक्टर अनिल जैन जी का, हमारे जो जिलाध्यक्ष थे उस टाइम मिथिलेश जी, और हमारे जो सिद्धार्थन जी हैं, सब ने एक पूरा संगठन ने एक मन बनाया कि कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता लड़ेगा, किसी की घर बैठी हुई पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत, अपने भाजपा के पूरे दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। टिकट हुई, 3 घंटे का टाइम था, सिंबल लिया, सिंबल लेने के बाद जब, और विश्वास नहीं, विश्वास करिएगा, मैं अनिल जैन जी के घर पे थी, उन्होंने कहा बेटा अब तो संगठन डिसाइड करेगा, अब देखो कितनी देर में लिस्ट निकलती है, तो तुम थोड़ी देर वेट करो। होता है ना कि भाई जब एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट आने वाला होता है तो उत्सुकता लगी रहती है, डर भी होता है क्या होएगा। तो हम, मैं वहीं बैठे थे, उसके बाद मेरे साथ हमारा एक कार्यकर्ता था छोटा भाई है, वो हम लोग बिना हेलमेट के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए स्कूटी लेके। मैंने कहा टाइम तो बचा नहीं, अगर सिंबल मिलेगा तो वहाँ से लेके फिर वहीं वेट कर लेंगे। वहाँ से सिंबल लेके पहुँचे, मेरे नॉमिनेशन में मैंने सिंबल मुझे 3 घंटे पहले मिला, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दो जने थे मात्र नॉमिनेशन के लिए पहुँचे थे, और एक हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े गगन भैया, राखी बांधती हूँ मैं उनको, छोटे भाई हैं मेरे, और वो मेरे जो पेपर्स तैयार थे वो फाइल लेके वकील से वो वहाँ पहुँचे थे। मतलब 3 घंटे पहले मुझे पता चला कि मुझे चुनाव लड़ना है, आनंद फानंद में वो डेट टाइम ओवर हो गया, ट्रैफिक जाम था, ऑटो से वो स्कूटी से उतरी, दौड़ लगा के कि भाई 20 साल मैंने मेहनत करी है, नॉमिनेशन करके रहूँगी, जाने नहीं दूँगी इसको, तो दीवार कूद के गई पुलिस वाले पीछे पीछे, लेकिन ठीक है पहुँच गई थी, 2 मिनट बचे थे, नॉमिनेशन भी हुआ और अब मैं चुनाव भी लड़के एक जनप्रतिनिधि के तौर पे अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन वो नॉमिनेशन वाला एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि गेट बंद कर दिया था, 2 मिनट 5 मिनट पहले गेट बंद कर देते वो, लेकिन बाकी सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर थे, मुझे ही पहुँचना था, सिर्फ दीवार से थोड़ी सी जगह मिली और कूद के पहुँच गई अंदर, टाइमली मेरा नॉमिनेशन हो गया। तो उन अधिकारियों का भी धन्यवाद जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे मेरा नॉमिनेशन किया। मेरे एक तो मोदी जी, दूसरा सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, एक महिला होते हुए उन्होंने किस तरीके से भाजपा संगठन में काम किया, किस तरीके से उन्होंने नारी महिलाओं के लिए काम किया, किस तरीके से राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई। और अटल जी, अटल जी की विचारधाराएं, अटल जी की कविताएं मैं बहुत बहुत, उनके जो कविताओं के, उनके शब्दों के जो अर्थ होते थे उनको बहुत फॉलो करती हूँ और बहुत गौर से सुनती हूँ। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे टीचर थे कश्यप सर, जो ब्लाइंड थे, जिनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो ब्रेन लिपि में हमारा सब्जेक्ट पढ़ाते थे और हमारे क्लास टीचर भी थे।
मैं उनको देखती थी, उनको भगवान ने आंखें नहीं दी, उसके बाद भी वो किस तरीके से हम लोगों को बाकी टीचरों से अच्छा पढ़ा लेते हैं, और एक मतलब जो चीज़ें वो जो बातें वो मुझे बताते थे और मैं उन चीज़ों को उन बातों को अपने ब्रेन में बिठाती थी, तो वो बैठ के बताते थे, बेटा अगले जन्म में क्या बनोगे। कहते थे तुम लड़कों वाले सारे गुण है, सबसे सबसे जो गलत कर रहा होता है उसे पकड़ के पीट भी देती है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे, फुटबॉल क्रिकेट सारे गेम खेलती है, तुझे क्या लगता है तुझे लड़की होना चाहिए कि लड़का होना चाहिए, अगले जन्म में क्या बनना चाहिए। मैंने कहा मैं सर एक बात बताऊं, मैं लड़की बनना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं लड़की होते हुए अपोजिट काम कर रही हूँ तभी तो आपने मुझे नोटिस किया है, अगर मैं लड़कों वाले लड़की होते हुए लड़कियों के काम करती तो बाकी लड़कियाँ भी करती, आपने मुझे नोटिस ही नहीं करते, इसलिए मैं लड़की ही बनना चाहूँगी। तो बैठ के उन्होंने जो चीज़ें मुझे समझाई कि जीवन में किस तरीके से अपने आप को दिशा देनी है, किस तरीके से अपने अस्तित्व को स्थापित करना है और कैसे अपने कैरियर को डेवलप करना है, किस डेडिकेशन के साथ जाना है, तो वो पाँचवीं क्लास की अभी भी मैं कहीं देखती हूँ किसी टीचर की। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स लाइफ में आए, स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी में, कॉलेजेस में, सारे बहुत सारे टीचर आए, लेकिन उनकी जो मेरे दिमाग में छवि है और जो प्रेरणा मुझे उनसे मिली है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी अटल जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं राजनीति में, कि भाई कितने त्याग के बाद हम राजनीति में आए हैं। जीवन में चुनौतियाँ शायद मुझे इतनी छोटी उम्र में बहुत, जैसे मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सुविधाएं एजुकेशन लाइफ में, फादर के बहुत सरकारी सर्वेंट थे, बहुत कम सैलरी होती थी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, लेकिन अपनी दिशा नहीं बदली, कॉम्प्रोमाइज़ किया, कम साधनों में ज़्यादा करा। और लेकिन जिस तरीके से मेरे हस्बैंड की अचानक से डेथ हुई, मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे पता है भगवान अगर किसी को तकलीफ़ देता है तो उसको सहने की शक्ति भी देता है, और मुझे पता है अगर मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे प्रॉब्लम आई है और मुझे खुद को स्टेबल करना है, मैं दूसरे की तरफ ना देख के अपने आप को देखूं और कि भाई मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, और मैंने बकायदा की है और इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे जीवन में कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो मुझे पता है मैं अपने दम पे उन सिचुएशन को से पार निकल सकती हूँ। टर्निंग पॉइंट मेरी शादी के बाद, जब मैं सोशल वर्क से जुड़ी और राजनीति में आई, कभी सोचा नहीं था, कभी प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन मैं आई एक एज अ शो का एक कार्यकर्ता जुड़ी थी, लेकिन पता नहीं कब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई राजनीति में और अपनी लाइफ के मैंने 15 साल राजनीति को दे दिए, मतलब ये टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था लाइफ में। क्योंकि जब मेरे जिस किसी परिवार में, अगर आपको लगता है आपके परिवार में भाई है, परिवार का चाचा है या पिताजी हैं, या बैकग्राउंड में कोई है राजनीति में, तो आता है व्यक्ति ज़्यादातर, और जब मेरे जैसा व्यक्ति आता है और उसको कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता है, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी लगन के साथ, भाई मुझे जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए, मुझे कुछ भी करना पड़े, तो इस तरीके से वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और दूसरा टर्निंग पॉइंट, जब मैंने अपनी पढ़ाई मेरी छूट गई थी, सेकेंड ईयर में मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने जब खुद अपने दम पे दोबारा पढ़ाई करनी शुरू करी और मैंने मुझे किसी को मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपने पढ़ाई का खर्चा निकाला, या फिर अपने गरीब बच्चों को जो हम लोग प्रयास एनजीओ में पढ़ाते थे वो भी उन बच्चों को पढ़ाते थे जो गरीब बच्चे होते थे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो उसमें भी 1500 रुपये सैलरी मिलती थी, 2 घंटे हम पढ़ाते थे और 1500 रुपये सैलरी मुझे मिलती थी, और उन बच्चों का जो स्टेशनरी होती थी वहाँ प्रयास से संगम विहार ले जाना बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि कन्विंस नहीं होता था, तो हम लोग सर पे उठा के लेके जाते थे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पढ़ाते थे, और उसके बाद फील्ड में जाते थे, बच्चों के घर का सर्वे करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग विषय भी था मेरे लिए, इंटरेस्ट भी आता था और लोगों की मदद करना, बच्चों को फिर एक साल हम पढ़ाते थे उसके बाद और रेगुलर बच्चों के साथ उनका स्कूल में एडमिशन कराते थे, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने खुद को स्टेबल किया। सफलता का मूल मंत्र डेडिकेशन,
मेरी सच्ची लगन, ईमानदारी से काम करना, शॉर्टकट तरीका ना अपना कर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आपको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को अपना 100% देना। मैं बेसिकली 6 बजे उठ जाती हूँ, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, जाते हैं, कॉलेज जा रही होती है, बेटी को 7 बजे निकलना होता है, तो 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद अपना रूटीन, नहाना धोना, पूजा पाठ, चाय बनाना, माता जी को काढ़ा पिलाना। आजकल तो सुबह चाय की बजाय काढ़ा पीने का, हम लोगों ने 4 महीने से काढ़ा बंद नहीं किया, शायद इसीलिए अभी तक मैं कोविड से सुरक्षित हूँ। मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ सारी चीज़ें, सब कुछ करना। अब तो बेटी बड़ी हो गई तो सहयोग कर देती है थोड़ा बहुत, बाकी सासू माँ मेरी एक आँख नहीं है, उनकी एक ही आँख है, तो वो अपना काम नहीं कर पाती ज़्यादा, तो उनका खाना बनाना, उनका दलिया वगैरह सारा बनाना, दोपहर का बेटी का उनका खाना बनाना के जाना, उसके बाद 9 बजे तक मैं सब कुछ करने के बाद अपने वार्ड में जाती हूँ। 2 घंटे रूटीन है, अपने वार्ड में जाती हूँ, 1 घंटा ऑफिस में बैठती हूँ, जो भी समस्याएं आती है लोगों की सुनती हूँ, उसके बाद 1 घंटा मैं फील्ड में घूमती हूँ, कहीं भी स्कूटी उठाती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि भीड़ के साथ जाऊँगी, कर्मचारियों का पता नहीं चलता कहाँ सफाई हुई है कहाँ नहीं हुई है, तो अचानक से कहीं भी जाके अपने क्षेत्र में बहुत कम कर्मचारी हैं, उसके बाद भी सफाई व्यवस्था हमारी चेयरमैन आई थी तो कह रही थी तेरा, तू तो इतना सदन के अंदर शोर मचाती, तेरा एरिया में काम नहीं हो रहा, तेरे एरिया में यूँ, तेरा वार्ड तो सबसे साफ है। मैंने कहा मैं थोड़ा कम कर्मचारियों के साथ जब खुद फील्ड में रहती हूँ तो बहुत अच्छा काम हमारे कर्मचारी भी कर रहे हैं, और इस कोविड के टाइम पे तो हमारे MCD के जो कर्मचारियों ने काम किया बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए, तो बहुत बड़ा मैं तो सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इस कोविड काल में भी आप घरों का कूड़ा उठा के ला रहे हो, किसके घर में क्या है कुछ नहीं पता, हिम्मत की दाद देती हूँ उनको, जब लोगों ने अपने बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया, वो लोग फिर भी आप लोगों के घरों का कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं, आपकी नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, आपके रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं, तो मैं सभी उन सभी लोगों, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे टीचर जो बच्चों को पढ़ाते थे वो पब्लिक को राशन बांट रहे हैं, उन्होंने भी एक बार नहीं कहा कि हम राशन नहीं बांटेंगे हमें कोविड हो जाएगा, तो उन सभी लोगों को, उन सभी, चाहे दिल्ली सरकार के हो, चाहे हमारे MCD के हो, चाहे केंद्र के हैं, उन सभी कोरोना वॉरियर्स ही उनको कहेंगे कि वो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, उन सभी को सैल्यूट करती हूँ। तो इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, हम लोग उन्हीं के दम पे ये कंट्रोल कर पाए हैं, और जहाँ अमेरिका जैसे देश में इतनी महामारी, इतना हाहाकार मच गया था, तो हमारे देश ने उसे कंट्रोल किया आप सब लोगों के दम पे, इसलिए उन सबको हैट्स ऑफ करती हूँ। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, मुझे लगता है कि मैं पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का दौरा करूँ, मैं घूमूँ, अचीवमेंट लूँ, मैं इन्वायरमेंट के साथ जुड़ूँ, पहाड़ों में घूमूँ, हर मतलब घूमने का मुझे बहुत शौक है, और अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ मैं बहुत इन्जॉय करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं, अगर मुझे टाइम मिले और मुझे खुला खर्चा करने के लिए हो, तो मैं अपने पहाड़ों में जाना ज़्यादा पसंद करूँगी। अभी तक उत्तराखंड जहाँ से मैं हूँ उसके तो ज़्यादातर एरियाज हम घूमे हैं, मैं हिमाचल गई हूँ, मेरे पापा के दोस्त थे लक्ष्मी चंद अंकल जी, हिमाचल से थे, तो छुट्टियों में हम 1 महीने हिमाचल रह के आए, हिमाचल के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूमी हूँ, शिमला वगैरह सब, और राजस्थान, UP, ये कॉमन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर कि भाई मुझे हाँ घूमना है इसके लिए प्लानिंग कम है, बाकी जो ज़्यादा कॉमन सी जगह हैं सारी तीर्थ स्थानों में, हरिद्वार, वैष्णो देवी, ये सारी जो मेन जगह हैं। मेरी हॉबीज़ मेन तो यही है कि भाई मैं अपने पास आए हुए किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाऊं, ये आप मेरी सोच, मेरे संस्कार भी कह सकते हैं और मेरी हॉबी भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए बहुत सारे गाड़ी बंगले या फिर बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि मेरे पास अगर कोई ज़रूरतमंद आए उसे मैं उसकी ज़रूरत की चीज़ उस तक दे सकूँ, इतना ज़रूर मेरे पास हो, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि भाई मैं संभाल ना सकूँ कि भाई, और मेरी सोच बदल जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे पास इतना पैसा है
कि मैं उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दूं, जिस ज़मीन से उठकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसके बारे में सोचना छोड़ दूं। इसलिए मुझे जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मेरे पास आए, सिर्फ यही मेरी सोच है। फिल्में देखने का, फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ इंजॉयमेंट के रूप में फिल्में देखने का शौक़ है। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई मेरा कोई पसंदीदा कोई ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसके लिए मैं पागल हूँ और उसकी फिल्म देखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंजॉयमेंट के लिए, परिवार के लिए और दोस्तों के साथ के लिए मूवी देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जितनी देर हम लोग मूवी देखते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ होते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर रखता है। देखिए, धर्म की परिभाषा मैं तो कहूँगी, अपने कर्म अच्छे रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, हर धर्म का सम्मान करें, क्योंकि अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे लगता है कि मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, तो किसी मुस्लिम का, किसी सिख का, किसी ईसाई का भी वही सोच अपने धर्म के प्रति होती है। इसलिए हर धर्म का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और सबसे बड़ी सोच आपके कर्म, आप किसी को तकलीफ मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अगर आप अच्छा कर सकते हो तो उसके लिए अच्छा करो, किसी के लिए बुरा मत करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपके समाज के अंदर आप समाज की बुराइयों का विरोध करते हो तो दिल से करो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करो। ऐसे बुराई का विरोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ें आपके समाज में किसी भी धर्म का व्यक्ति कर रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर रहा हो, उसके सामने डट के खड़ा होना चाहिए, उस बुराई को ख़त्म करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को ख़त्म करना चाहिए। ये एनर्जी तो जब मैं दूसरे की मदद करती हूँ, जब 350 लोगों को जब मैंने उस फुटपाथ से उठाया, उन्हें शेल्टर होम पहुँचाया, और नेक्स्ट डे जब वो बसों में बैठ गए और रेलवे स्टेशन पहुँचे, जो मुझे रात को नींद आई, और उसके बाद जब उनके फ़ोन आए मेरे पास, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम ठीक ठाक अपने घर पहुँच गए, अपने परिवार के पास, उसके बाद जो शरीर के अंदर खून के अंदर गर्मी आई कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया और मैं हमेशा ऐसा ही काम करूँगी, तो वो एनर्जी मुझे अपने किए हुए कामों का जो रिजल्ट मुझे मिलता है उससे आती है। सपने तो देखिए जैसे हर व्यक्ति के होते, मेरे भी हैं, राजनीति में आगे बढ़ूँ, मोदी जी के नक्शे कदम पे चढ़ के जिस तरीके से वो देश और समाज को अच्छा एक दिशा हमारे देश को लेके जाना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, उनके कदमों से कदमों को मिला के चलूँ। राजनीति में इच्छाएं सबकी है, मेरी भी है कि मैं निगम के बाद विधानसभा लड़ूँ, उसके बाद अपने देश के लिए, दिल्ली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा और बड़े लेवल पर कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ों के साथ सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जिनको सही मायने में ज़रूरत है। राजनीति का फ़ायदा एक छोटे से छोटे तबके तक पहुँचे, ये मेरी सोच है। कहते थे ना, पहले राजीव गांधी जी खुद कहते थे, हम 100 रुपये देते हैं और ज़मीन में पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपया हो जाता है, लेकिन आज मोदी जी ने साबित करके दिखाया है, अगर हम आपको 100 रुपये देंगे तो आपके अकाउंट में 100 रुपये ही जाएंगे। वो 99 रुपये जो गायब करने का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके के अच्छे काम करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे कामों को याद रखें। तो मेरा टोटली एरिया जो है अनऑथराइज है, 100% अनऑथराइज वार्ड है, जहाँ पे MCD का फंड नहीं लग सकता, लेकिन उसके बाद भी एफर्ट्स लगाती हूँ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में फ़ंड लेके अपने एरिया में लगा सकूँ। हमारे यहाँ पे MCD की कोई जगह नहीं थी, मैंने एक जगह सेंक्शन कराई पार्क के लिए, जो हमें मिल गई है, अब हैंड ओवर होते ही उसमें हम लोग पार्क का काम शुरू कर सकते हैं। जहाँ संगम विहार में पैर रखने की जगह नहीं है, तो ग्राम सभा की जगह पड़ी थी, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और 3.5 साल मुझे लग गए, लेकिन LG से मुझे जगह सेंक्शन हो गई है, मुझे बहुत जल्दी वो हमारी MCD को हैंड ओवर हो जाएगी। दूसरा, बांध रोड के ऊपर एक कूड़े का डंपिंग यार्ड बना हुआ था, बहुत बड़ा एरिया था जहाँ खुले में कूड़ा पड़ता था, और प्रॉपर MCD का वहाँ पे कोई कूड़ेदान नहीं था, उसके लिए मैंने एफर्ट्स लगाए और प्रॉपर जगह सेंक्शन कराई है MCD से। अभी हमारा, आप जाएँ तो ज़रूर देखिएगा,
प्रॉपर 1,200 गज हमें रेवेन्यू से सेंशन हुई है, उस पर हमारा FCTS कैंपस लग रहा है, जहाँ पे 77 और 76 और 78 तीनों वार्डों का कूड़ा जो खुले में पड़ता था, पहले उस कूड़े को हटवाया, फिर छोटे से दायरे में उस कूड़े को किया, उसमें भी जो खाली एरिया था उसमें भी वो जगह डिस्प्यूट है, वहाँ कोई केस वेस चल रहा है, कोई अपनी ज़मीन उसको बता रहा है, तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमें जगह वो सेंक्शन नहीं हो पा रही है, हमारी MCD को नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग मट्टी वट्टी डाल के जो खाली पड़ा एरिया जहाँ कूड़ा डलता था वहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है। अब मोदी जी का जो सेवा सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें हम मिट्टी डलवाना शुरू किया, रोज जाती हूँ वहाँ पे मिट्टी वगैरह डलवा के हम हरियाली कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं खाली पड़ी ज़मीन पे, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो उसको मैं पार्क बना के ज़रूर छोड़ूंगी। जब पब्लिक का साथ मेरे साथ है, पब्लिक का सपोर्ट है, तो खाली पड़ी ज़मीन में जब डंपिंग यार्ड बन सकता है पार्क क्यों नहीं बन सकता, तो इसके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट है, पब्लिक को भी लगता है जब कुछ नहीं होते हुए भी इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ तो सारे लोग मेरे साथ है, सारी पब्लिक मेरे साथ है, और हमारा प्रॉपर FCTS कैंपस हमारा बन रहा है, चारों बाउंड्री हो चुकी है, 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और इतनी जब से संगम विहार बसा है पहली बार संगम विहार जैसी कॉलोनी के लिए पहला FCTS कैंपस MCD बना के देगी, जिसके लिए मैंने 3.5 साल अपने एक कर दिए। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद जो मेरा एरिया है 100% अनऑथराइज एरिया होने के साथ ही वो एक स्लम एरिया भी है, जहाँ दिल्ली का पूरा मजदूर वर्ग जिसे हम कहेंगे, चाहे वो घरों में काम करने वाली बाइयाँ हों, चाहे ड्राइवर्स हो, चाहे फैक्ट्रीज में कंपनियों में काम करने वाला लेबर मजदूर हो, वो सब संगम विहार के अंदर, संगम विहार में सिर्फ 10-20% लोग ही सक्षम है, बाकी 80% लोग लेबर क्लास हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अब उन लोगों को एकदम से सारी चीज़ें बंद हो गई, अब उनको खाना देना है, किसी के घर में कितने दिन का राशन था, 10 दिन का, किसी के घर में 15 दिन का, किसी के घर में सिर्फ जो सुबह कमाता था, रात में जो रेहड़ी पटरी वाले जो बाजार लगाते थे वो तो सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे, इस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन NGOs के साथ मैं इतने सालों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक इतना फाइनेंशली तो मैं भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ कि मैं अपना सारा पैसा लगा के उनको खरीद के दे सकती थी, लेकिन जिस तरीके से इन NGOs, चाहे रसोई ऑन व्हील्स है, चाहे DM साहब के यहाँ से खाना आने की बात हो, चाहे सूखा राशन जो हम लोगों ने पर डे हम लोग 50 लोगों को एक आइडेंटिफाई, कम से कम वहाँ पे 5,000 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, और 50-50 जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से हम पर डे सूखा राशन देते थे, और 2,500 लोगों का खाना रोज आता था जो ADM के यहाँ से आता था और हमारे NGO से आता था, कम से कम 1,800-2,800 के पैकेट हम लोग रसोई ऑन व्हील से, मनिका जी हैं, छोटी सिस्टर हैं जो रसोई ऑन व्हील्स NGO चलाती है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे हरदीप सिंह भल्ला जी हैं, हमारे RWA के प्रेसिडेंट हैं, सैनिक फॉर्म थे, उनकी पूरी वारवा टीम जो उनकी RWA है, उन लोगों ने मतलब किसी चीज़ की, जब मैंने जिस चीज़ की डिमांड की उन लोगों ने बिना सोचे समझे विद इन अ मिनट विद इन अ आवर्स उन्होंने ऐसे भेजा, लोगों की मदद करने में मुझे ना बहुत मतलब कहते हैं ना आनंद आना, इट्स जब समाज सेवा में जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं अगर आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है, जो अंदर से खुशी मिलती है, शायद वो कभी बहुत करोड़ों रुपए आप कमा लो, करोड़ों की लॉटरी आपकी लग जाए, उसमें भी आप नहीं प्राप्त कर सकते जो किसी की गरीब की ज़रूरतमंद की मदद करके आप पा सकते हो। मेरे फादर ने हमेशा मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, कहीं कोई सिचुएशन आई, उनके पास इतने पैसे भी, मैं टेबल टेनिस, मैंने आपको बताया टेबल टेनिस खेलती थी, मुझे एक Mark 5 का बैट चाहिए होता था जिसकी कीमत आज से 20 साल पहले 5,000 रुपये थी, उस बैट को लेने के लिए मुझे बहुत रोना पड़ा, मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था, हमारे पास 5,000 में तो हम लोग बैंक में डालेंगे, तेरी शादी में काम आएंगे, 5,000 रुपये का तेरे को बैट हम नहीं ला के दे सकते, लेकिन जब मैं मायूस हो गई, मेरे पापा ने खुद कहा कि मैं तेरे को हर महीने 1,000 रुपये दूंगा, तू किस कहीं से बात कर, अगर किस्तों में तुझे बैट मिल जाता है तो मैं तेरे को हर महीने दूंगा, और ऐसे करके ना
एजुकेशन वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा थे, उन्होंने वहाँ से मुझे बैट ला के दिए, उन किस्तों में पैसे देती थी, मतलब जबकि मुझे मेरे फादर को पता है पता नहीं मैं इस स्पोर्ट्स में कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, उसके बाद भी उनकी जेब में जो पैसे होते थे उन पैसों से भी एक बेटी, जिनकी जो चार बेटियों का बाप है, वो अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए इस लेवल पे जाके किस्तों में पैसे अपनी अपने ऊपर खर्चा ना करके मेरे उस बैठ के पैसे मुझे चुपके से देते थे, मम्मी को ना पता चले, मम्मी को बताना मत वरना मम्मी लड़ाई करेगी। देखिए मेरे बिना हस्बैंड के सपोर्ट के तो कोई भी महिला, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला, बिना परिवार के सपोर्ट के, बिना सास ससुर के सपोर्ट के, हस्बैंड के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं अच्छा काम करने के लिए, हमेशा डिस्कशन करते थे, हमेशा कई बार मुझे अच्छी सलाह भी देते थे। मेरी सास का सबसे बड़ा योगदान था, अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ जो मेरी मुझे ऐसी सास मिली जिन्होंने कभी भी मेरे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया, उन्हें पता है, उन्होंने भरोसा किया और आज मैंने उनके भरोसे को कायम भी रखा है और हमेशा कोशिश करूँगी मेरी वजह से उनको कभी कोई तकलीफ ना हो और कभी किसी के आगे उनको मेरी वजह से सुनना ना पड़े। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, हस्बैंड का भी और मेरी सास का भी। देखिए देश की युवा पीढ़ी को एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी, आप लोगों के दम पे अगर हमारा देश, पूरा विश्व अगर भारत की तरफ देख रहा है तो हमारी युवा पीढ़ी के दम पे, जो सबसे ज़्यादा आज पूरे विश्व के अंदर अगर युवा है तो वो भारत में है और मोदी जी की ताकत भी हमारे युवा हैं। तो उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि संयम रखें और अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएं। और थोड़ी सी बेरोजगारी का देखिए कोविड के चक्कर में और ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी है लेकिन उसका समाधान भी हमारे पास ही है और बहुत जल्दी मोदी जी इसका समाधान भी निकालने वाले हैं। और जब तक हमारा युवा अपने आप को इस तरीके से स्टेबल करके रखेगा कि उन्हें गलत दिशा में नहीं जाना, उन्हें भरोसा रखना है, उन्हें अपने देश को उन्नति की ओर लेके जाना है, तो रास्ते बनाना हमारा काम है, रास्ते हमारा बनाना हमारे देश के युवाओं को आता है और उसमें वो सक्षम भी, उनमें काबिलियत भी है और उनमें जज्बा भी है, उसमें कायम रहें और अपने देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएं।